शाहपुर डीएमएसपी का वीरपुर सहित अनेकों गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से मिले और कर्मचारियों से सीधे शब्दों में कहा कि सभी गांव-गांव वैक्सीनेशन हुआ नहीं तो खैर नहीं। शाहपुर कलेक्टर एवं एसपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। वीरपुर सहित अनेक गांव में पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि तीसरी लहर को कोई हल्के में न ले। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर सबसे ज्यादा असर करेगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य ध्यान रखें। बार बार साबुन से हाथ साफ करें, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करें। वीरपुर पांचों कॉलोनी में बाढ़ प्रभावित लोगों ने भी कलेक्टर एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की और कुछ लोगों ने मुआवजा न मिलने एवं बाढ़ में पशुओं के बह जाने की बात कही। तभी कलेक्टर साहब ने सभी को भरोसा दिया और सभी को मुआवजा और फसल के सर्वे कराकर राहत राशि दी जाएगी। महेंद्र आर्यन की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। आपकी गाड़ी रखी है ठीक है, यहाँ पे नाली बनी है, वो नाली की जरूरत नहीं थी वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बनाया। एक मिनट मुझे बोल रहे पूरा मोहल्ला इधर नाली की अधिक से अधिक आवश्यकता है। आप देखेंगे तो पूरा इधर से लेकिन मंदिर तक पानी पानी है। मोहल्ले की महिलाएं वगैरह हैं सर, उनका घर नहीं जाती है सर, पानी सर यहाँ से जरूरत नाली की वहाँ तक लगभग 200-300 मीटर तक नाली जरूरत थी, लेकिन वहाँ नाली नहीं बनी है। कई बार आगे क्यों नहीं बनाई नाली? सचिव कौन है, आप कौन हो? सभी काम देखते हैं। शिवपुर महाअभियान के पहले दिन 14,326 व्यक्तियों को लगाया गया कोरोना का टीका। जिले ने हासिल की प्रथम दिन 95% उपलब्धि। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार शिवपुर में जिले में 2 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत शिवपुर जिले में बनाए गए 83 टीकाकरण केंद्रों पर आज प्रथम दिवस 15,100 टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध 14,326 लोगों को वैक्सीनेशन लगाई गई। इस वैक्सीनेशन के कार्य के तहत प्रथम दिवस साय 6 बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिले के ब्लॉक बड़ौदा में 4600, विजयपुर में 4261, करहाल में 3665 एवं शाहपुर में 1700 लोगों को टीका लगाया जाकर 95% उपलब्धि हासिल की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया सम्मानित। मेरा नाम कुलदीप पाराशर है, वार्ड क्रमांक 9 का निवासी हूँ। मेरा दूसरा डोज है। शासन के निर्देशानुसार वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके अंतर्गत ये सभी बीमारियों से निजात दिलाने हेतु और अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा हेतु ये डोज लगाया जा रहा है। और मैं मेरे संपर्क में आने वाले मेरे परिवार इष्ट मित्रों को भी मिलकर उनसे इस कोविड वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करके उनके भी वैक्सीन लगवाऊंगा। और माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी द्वारा ये वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। आज आपने क्या ये वैक्सीन लगवा ली क्या? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? इमामबाड़े के। जी, क्या पैर से शुरू से ही हो गया? तो आपने वैक्सीन जो लगवाई ये क्यों लगवाई? कोरोना की बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई। कौन सा डोज लगाया? ये पहला? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? दूसरा डोज आप कब लगवाओगे? 84 दिन बाद। वेरी गुड। अब आपने वैक्सीन लगवा ली तीसरी लहर से बचने के लिए, अब आप अपने पड़ोसी परिवार में क्या मैसेज देना चाहोगे? सबको ही टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, चलिए।